नमस्कार, आप इंग्लिश जानते हैं मगर बात कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सुनते हैं तो तकरीबन आपको जब कोई और बात करे समझ में आ जाता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, या पूरा भी शायद समझ में आ रहा होगा, मगर जो बात आपने सुनी उसका अगर उत्तर देना है तब तकलीफ महसूस करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं या रिपीट करते हैं तब आपको इंग्लिश में कमजोरी महसूस होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते तो आप बोलेंगे कि मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है, झिझक है, डर है, इनसिक्योरिटी है। मगर बात बिल्कुल ये नहीं है, बात कुछ और है। कॉन्फिडेंस की कमी, डर, झिझक, इनसिक्योरिटी, इन सब बातों को छोड़िए, बात तो यह है कि अंधेरे में कोई भागता नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, कोई और इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे तेज अंधेरे में चलेंगे। बात तो यह है कि अंधेरे में हम सब देख देख के ही चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने गांव, नगर और शहर हैं? तकरीबन 5 से 6 लाख गांव, 40,000 नगर और 400 शहर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 से 6 लाख गांव में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते नहीं है, और छोटे छोटे नगरों में भी बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। मगर आपको ऐसा लगता है कि शहर में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, बच्चा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, मैं इंग्लिश जानता नहीं, ये गलत है। शहर में भी less than 5% ऑफ पीपल स्पीक इन इंग्लिश, 5% से कम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। अब आप जानते हैं, और मेरा भी मानना यही है कि भारत में 1% से भी कम लोग बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। मगर बात यह भी है कि 99% लोग जो है वो इंग्लिश जानते हैं, और वो जितना जानते हैं उसे वो इस्तेमाल भी करते हैं, मगर वो ग्रामेटिकली परफेक्ट नहीं होते हैं। एक और बात है, भारत में इने गिने लोग 0.00001% से भी कम जिन्हें हम इंग्लिश में नोमैड्स बोलते हैं या हिंदी में खानाबदोश बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जिनके घर में टीवी हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इंग्लिश जानते ही जरूर है। आपके घर में बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो 50-60 साल से कभी स्कूल नहीं गए, वो भी अंग्रेजी जानने बिना बात करेंगे ऐसे। फैन ऑन करो, टीवी ऑफ करो, स्विच कहाँ है, टीवी रिमोट ढूंढ के लाओ, बस कंडक्टर टिकट दिया, ऐसा। अगर आपके जीवन में आप इंग्लिश के कमी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि आप ऑलरेडी इंडिया के टॉप 5% लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कंपनीज के इंटरव्यू पैनल में मैं बैठता हूँ, यहाँ मुझे पक्का निर्देश दिया जाता है कि टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे मुझे ध्यान देना चाहिए। अगर उनका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो तो वो कंपनी में पार्टनर नहीं बन पाएंगे। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीपल हु विल बी पार्टनर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंपनीज। कोई भी कंपनी में, किसी भी काम में, अगर आपको उन्नति की सीढ़ियां चढ़नी है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर होना ही चाहिए। इंग्लिश को आप बिल्कुल वैसे ही सीखिए जैसे आपने अपनी मातृभाषा सीखी। क्या आप बता सकते हैं कि अपनी मातृभाषा आपने कैसे सीखी? आप कहेंगे कि वातावरण से आपने सीखी, या आप बोलेंगे कि लोग बोलते थे घर में और मैं भी बोलने लगा, मगर ये बात पक्का सही नहीं है। बात तो यह है कि आपने मातृभाषा सुन के सीखी। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चा कैसे अपनी मातृभाषा सीखता है। पहले 2 साल या 1 साल सुनता है, कम बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, मगर गलत नहीं बोलता है, क्योंकि वो सुन सुन के माहिर हो जाता है मातृभाषा में, और ये जान जाता है कि मैं के बाद चलेंगे नहीं आएगा, मैं चलता हूं, मैं चल रहा हूं, मैं चलूंगा, ऐसा ही आएगा। चलिए आज से आप ठान लीजिए कि आप इन वीडियो के जरिए इंग्लिश सीखेंगे। मैं अपने वीडियोस में सरल रीति में आपको
करेक्ट तरीके से इंग्लिश की सीख दूंगा। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूं और उसे मेरे साथ आपको दोहराना पड़ेगा, मगर मन में नहीं, जोर से बोलिए मेरे साथ। जो इंग्लिश हम जानते हैं, बोलिए, जो इंग्लिश हम जानते हैं उसे हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बोलिए, जो इंग्लिश हम जानते हैं उसे हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप कन्नड़ा नहीं जानते, पंजाबी नहीं जानते या कोई अन्य भाषा नहीं जानते तो आपको बिल्कुल झिझक नहीं है। आप आसानी से चार लोगों के बीच में बात करते करते वो भाषा सीख जाएंगे। मगर इंग्लिश नहीं आती तो आपको उसकी कमी खलती है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक 500 द्वार आपके सामने बंद हुए हैं और होते जाएंगे तब तक जब तक आप इंग्लिश में परफेक्शन हासिल नहीं करेंगे या इंग्लिश में बात करने की क्षमता आपको आती नहीं है। तकदीर के तोहफे के पीछे आप मत भागिए, इसके बजाय आप अपने परिश्रम के फल को हक से मांगिए। इंग्लिश को आप बेहतरीन तरीके से जान जाइए और आप सबके बराबर खड़े हो जाइए। ऐसे ही आप मेरे वीडियो देखते रहिए और अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, अगर आपको कोई टेंशन हो तो मुझे फोन करना भूलिएगा मत। मेरा नाम है प्रकृति एन बनवासी और मैं बैंगलोर में कर्नाटका में इंग्लिश के शिक्षा देने वाले क्लासेस चलाता हूं और मेरा नंबर है 9900240099। इसी तरह आप पक्का इंग्लिश जानने की प्रयास इन वीडियो के साथ कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।